प्रधानमंत्री जुड़ चुके हैं वर्चुअली। बहुत बड़ी संख्या में देव तुल्य भाइयों और बहनों, बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज कि माननीय प्रधानमंत्री जी देवभूमि को एक अत्याधुनिक ट्रेन वंदे भारत का बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। साथियों, इस पवित्र भूमि के लिए आप सोचिए, आज से 10 साल पहले जब रेलवे के विकास की बात आती थी केंद्र सरकार की तरफ से, आज से 10 साल पहले मिलता था मात्र 187 करोड़ रुपीस। इतना दुर्गम क्षेत्र, इतने सुंदर पहाड़, इसको डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं। माननीय मोदी जी ने 2014 में आते ही देश की जिम्मेदारी संभालते ही तुरंत उत्तराखंड के लिए फंड्स की व्यवस्था की, रेलवे की 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, और इस साल कितना दिया है मोदी जी ने? 5000 करोड़, 5000 करोड़। साथियों, ये होता है काम करने का प्रधानमंत्री जी का जज्बा और उत्तराखंड के लिए कमिटमेंट। आज उसी कमिटमेंट के कारण आप देख रहे हैं उत्तराखंड के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स आगे आ रहे हैं। 5G, जगह जगह जहां पर फाइबर पहुंचाना वहां फाइबर, और कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग की प्रोजेक्ट की अगर आप बात करोगे, 125 किलोमीटर में से 104 किलोमीटर तो टनल है। इतनी लंबी टनल, ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अगर कोई एक व्यक्ति है दुनिया में जो कर सकते थे, वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और उनका जो भावनात्मक जुड़ाव है इस देवभूमि से, आप सब जानते हैं किस तरह से चारों धामों का एक तरीके से एकदम नया अवतार सामने रखा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और ये जो विशाल जन समूह है ये आपके आशीर्वचनों को सुनने के लिए आज आतुर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।